अब एमवी एक्ट में धारा 129 में क्लियरली दिया हुआ है कि जो भी लोग हेलमेट नहीं पहन के चलाते हैं या पीछे बैठा व्यक्ति हेलमेट नहीं पहनता है तो उसके ऊपर करीब 1000 रुपये का फाइन होगा और उसके साथ ही 3 महीने के लिए उसका लाइसेंस को भी सस्पेंड किया जाएगा। ये इसके लिए हम हमेशा डेली इसके लिए हम चालान भी करते हैं और इसको हम लागू कर रहे हैं। इसको ये सभी के लिए जो भी 4 साल से ऊपर है सभी को पहनना अनिवार्य हो जाएगा। ये गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप सब लोग यहाँ पर आए उसके लिए आप सबकी सभी का स्वागत है। आप लोग बुलाने का मेरा मेन मकसद ये है कि जैसे कि हमें पता है कि पूरे पोर्ट ब्लेयर सिटी में करीब 1,25,000 टू व्हीलर्स हैं और मैक्सिमम जो भी एक्सीडेंट होते हैं टू व्हीलर्स का ही होता है जिसमें खासकर हेड इंजरी होते हैं और हेड इंजरी होने का मेन वजह है कि लोगों द्वारा हेलमेट नहीं पहनना। वैसे पोर्ट ब्लेयर में देखा गया है करीब 90% लोग हेलमेट पहनते हैं और कुछ लोग हैं जो हेलमेट नहीं पहनते हैं जिसके लिए एमवी एक्ट का धारा 121 के एक्ट हम उनको चालान करते हैं बिना हेलमेट का या जो पीछे बैठते हैं उनको भी हम चालान करते हैं एज ए पिलन राइडर्स। अब जो कि नया अमेंडमेंट एक्ट आया है 2019 में जिसमें अनिवार्य किया गया कि जो भी 4 साल से ऊपर के जो भी लोग हैं बच्चे हैं या जो भी लोग रहेंगे 4 साल से ऊपर उनको भी हेलमेट पहनना कंपल्सरी है। इसी के संदर्भ में हमने एक 19 अक्टूबर को फ्लैग पॉइंट में एक रैली निकाल रहे हैं। ये जो हम रैली निकाल रहे हैं ये हमारा फ्लैग पॉइंट से 19 अक्टूबर को शाम को 4:30 बजे फ्लैग ऑफ होगा जो कि पोर्ट ब्लेयर के विभिन्न एरिया से गुजरते हुए वापस स्टेडियम में आके मर्ज हो जाएगा जिसमें हम करीब 50 बच्चों को बैठा के उनको हेलमेट डोनेट करेंगे। जो हेलमेट हमें डोनेट किया जा रहा है वो हमारे 5 कंपनी यहाँ पे लोकल कंपनीज है उनके द्वारा हमें डोनेट किया गया है और उनके जो उनको हम बच्चों को बांटेंगे और रैली हमारा पूरा पोर्ट ब्लेयर सिटी में जाएगा और लोगों को अवेयरनेस करेगा कि जो भी बच्चे बाइक चलाते हैं उनके पीछे जो भी व्यक्ति बैठता हो चाहे बच्चा हो चाहे जवान हो उनको हेलमेट पहनना अनिवार्य हो जाएगा। इसके लिए हमने आपको काफ़ी समय दिया था कि पिलन राइडर्स हेलमेट पहनाएं और देखा गया खास करके स्कूली बच्चे हेलमेट नहीं पहनते हैं और जबकि आप खुद हेलमेट पहनते हैं और अपने बेटे को हेलमेट नहीं पहनाते हैं बच्चों को हेलमेट नहीं पहनाते हैं तो हमारी आपसे यही गुजारिश रहेगी कि आप सभी लोग इस अवेयरनेस कैंप के बाद में आपको इस महीने के अंत तक सभी आप अपने बच्चों के लिए हेलमेट परचेज़ कर लें जो कि पोर्ट ब्लेयर में कई सारे दुकानों में अब उपलब्ध है और आपके डिमांड पर और भी आ जाएंगे और आप अपने बच्चे को पहनाएंगे आप सुरक्षित रहेंगे आपके बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। सर न्यूज़ अब तक के द्वारा और इंक्वायरी टाइम्स के द्वारा हमारा एक सवाल है जैसा देखिए सर रूल तो इम्प्लीमेंट के बारे में आपने बता दिए रूल इम्प्लीमेंट हो चुके हैं राइट फिलहाल ये रूल जो है 4 साल के बच्चों का जो है ये रूल इम्प्लीमेंट यहाँ पर हो चुके हैं। हाँ ये ऑलरेडी एक्ट में दिया हुआ है रूल इम्प्लीमेंट होने की बात नहीं है ऑलरेडी एक्ट में दिया हुआ है कि जो भी 4 साल से बच्चे हैं ऊपर है उनको हेलमेट पहनना कंपलसरी रहेगा। और सर इसको देखते हुए भी काफ़ी लोग जो है इवन आपको भी ये चीज़ पता होगा काफ़ी लोग जो है जानबूझकर रूल जो है फॉलो नहीं करते और अगर इस तरह का कोई भी बंदा जो अपना बच्चा को या किसी को भी बटा कर ले जा रहा है और पीछे वाले जो है वो हेलमेट नहीं पहने बच्चा खास खास करके तो उसके लिए क्या पनिशमेंट दी जाएगी सर या क्या फाइन लगेगा? अब एमवी एक्ट में धारा 129 में क्लियरली दिया हुआ है कि जो भी लोग हेलमेट नहीं पहन के चलाते हैं या पीछे बैठा व्यक्ति हेलमेट नहीं पहनता है तो उसके ऊपर करीब 1000 रुपये का फाइन होगा और उसके साथ ही 3 महीने के लिए उसका लाइसेंस को भी सस्पेंड किया जाएगा। ये इसके लिए हम हमेशा डेली इसके लिए हम चालान भी करते हैं और इसको हम लागू कर रहे हैं इसको। तो सर ये जो अभी आपने बताया ये जो यूथ है उनके लिए भी है या एजेड है उनके लिए भी और खास करके ये बच्चों के लिए जो अभी ये नया रोल जो इम्प्लीमेंट जो हुआ है तो सब मिलाकर एक ही है राइट ये सभी के लिए जो भी 4 साल से ऊपर है सभी को पहनना अनिवार्य हो जाएगा। ये थैंक यू। जय हिंद।